एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हर एक के रोज़े कबूल करे, हर एक की इबादत को कबूल करे, बीमारों को शिफा दे और दुखी दिलों को राहत दे। तो आज के व्लॉग में बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सहर और इफ्तार रूटीन, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सहरी मैंने जो है वो किस तरह से की और इफ्तारी जो है वो मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई। सो आइए और मिलकर जो है मेरे साथ सहरी और इफ्तारी बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो क्या किए? अब कैट पे ले हो? कौन सी कैट? दिखाओ, हाथ दिखाओ। ओह, ये बनाया आपने सुबह सुबह? आते, आते करने। कैसे कैसे करने? ऐसे ऐसे करने। गुड गर्ल। तो जनाब लाडो नानी भी हमारे साथ उठी हुई थी, कहने लगी जी मैंने भी जो है उन्हें सहरी करने। हमने कहा जी क्यों नहीं, आपको भी हम सहरी कराते हैं। साथ साथ सहरी की तैयारी चल रही थी, पराठे शराठे बनाए, चाय बनाई और सालन वालन गर्म किया जो शाम का पड़ा हुआ था। कुछ ने पराठे जो है वो सालन के साथ इंजॉय किए, मैंने जो चाय पराठा खाया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक तो मौसम बहुत अच्छा था और अभी पहला रोज़ा, तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। उसके बाद जो दोपहर को उठ के घर के कुछ काम शाम किए, कपड़े शपड़े धुले हुए थे, इनको तैशा लगाया, अलमारियों में सेट किया। उसके बाद मेन काम ये था कि जो कपड़े खरीदे हुए थे इनको श्रिंक करना था, इनके दुपट्टे सेपरेट करने थे। श्रिंक करने के बाद इनको जो है वो टेलर को पहुँचाना है ताकि टेलर जो है वो टाइमली कपड़े जो है वो स्टिच करके भेज सके, अदरवाइज अगर लेट हो गए तो उसने कोई ना कोई हैंकी पैंकी कर देनी है। तो दुपट्टे मैंने इनके सेपरेट कर लिए हैं और ये वाले सारे जोड़े जो है ना उनकी लेटेस्ट कलेक्शन में से हैं और ये सारे कलर्स बहुत प्यारे थे। तो मैक्सिमम जो मुझे पसंद आए वो 7 जोड़े थे, तो मैंने 7 के 7 खरीद ली और मैंने इनको श्रिंक कर लिया और शाम तक टेलर के पास ये पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये साथ साथ करनी थी इफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पे कुछ लोगों का जो है वो डाइट का सामान तैयार हो रहा है, मतलब एक भाई है मेरा, उसने जो कहा मैंने अपना पेट कम करना है, तो उसके लिए जो है वो ग्रिल सैंडविच तैयार हो रहा था, डाइट सैंडविच भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर चिकन और सिर्फ खीरा और टमाटर था। उसके बाद हमने जी इसको ग्रिल श्रिल की और ये हमारा डाइट सैंडविच जो है वो रेडी हो गया। इसके बाद जो इफ्तारी के लिए जूस वगैरह रेडी किया, अभी तुख मलंगा डाल के रख दिया ताकि तुख मलंगा अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद जो घर में मेरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं आलू के चिप्स के बगैर जो है वो हमारी इफ्तारी अधूरी है। मुझे नहीं पता आप भी उन लोगों में से हैं या नहीं। तो मेरी छोटी सिस्टर जो है ना उसको आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहती है आलू के चिप्स ना हो तो मज़ा नहीं आता। साथ साथ ही रोटी रेडी हो रही थी ताकि जिन लोगों ने रोटी खानी है, आई एम रोटी लवर, मुझे नहीं पता आपको रोटी पसंद है या नहीं तो इफ्तारी के टाइम पर खाना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं रोटी खाऊँ इफ्तारी के टाइम पर। इसके बाद जी फटाफट से हमने क्रीम फ्रूट चाट रेडी की, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम रह गया था, रोज़े में बिल्कुल 10-15 मिनट रह गए थे, इसलिए आप स्पीड जो है वो हमारी चेक कर सकते हैं। तो ये है जी भाई की प्लेट जो कि डाइट कर रहे हैं, और ये है जी उन लोगों की प्लेट जो अनहेल्दी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ साथ दूसरों को भी खिलाते हैं, क्योंकि पकौड़े बने और कोई खाए नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो जनाब रोज़ा वगैरह खोला, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह को। उसके बाद ही चाय शाय बनाई, और अगर आप अपनी चाय को मज़ीद मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो चाय के अंदर सौंफ और इलायची पीस कर डाल दें, आपकी चाय बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये थी मेरी सहरी रफ्तारी की रूटीन। आई होप कि आपको रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।